हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर रात को मुंबई में भूख लग जाए वो भी 4 बजे सुबह तक, एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं बट पराठे और पुलाव मिलता है, चाय भी मिलता है। इनफैक्ट 4 बजे तक, नॉर्मली क्या होता है कि 1 या 2 बजे तक होटल सब बंद हो जाते हैं मुंबई में, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी अच्छी सी प्यारी सी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे अभी भी लोग खा रहे हैं। रात के 2 से 2:30 बज चुके हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त नीरज जी हैं और पराठे का आनंद है हम लोग मोहम्मद भाई हैं और हमारे साथ आज अनूप जी भी हैं। अनूप जी, अनुपम जी, पराठा का बारे में आज रात को आप पराठे का क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। रात को गरम गरम पराठा मिले और ऐसी जगह पे, मैं तो यही चाहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं रात को यही आके और पराठे खाऊंगा। इससे बढ़िया आनंद कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं पता था कि इतनी रात को भी मुंबई में खाना मिलता है, कुछ दिन पहले पता चला। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हल्का सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये है सामने जो पराठे बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे चाय वाय सब है वहाँ पे। और ये जगह का नाम है 4 बंगलो महाड़ा। सिग्नल से ITO की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रात को तो आपको ये जगह मिल जाएगी। देखिए आप इस टाइम भी बना रहे हैं बहुत सारे पराठे, बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी आ जा रही हैं इस जगह से। अब आ गया मेरा पराठा। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी देते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट रोज ही या 1-2 दिन बीज डाल के हम लोग आके खाते हैं यहाँ पे पराठे। ये रहता है, बहुत लजीज है, अच्छा लगता है, चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। आप अगर यहाँ पे एक खाएंगे ना पराठा, दूसरा खाने का ऑटोमेटिक आपका मन करने लगेगा और आप ऑर्डर कर ही देंगे बिना सोचे समझे। देखिए किसी किसी खाना है आप लोग खा सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं है रात को क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या। बहुत महंगा भी नहीं है, 30 रुपया का पराठा और वो बहुत टेस्टी, मजा आ जाता है ये आप लोगों के लिए।